दोस्तों, मैं हूँ आदि और मैं आपके लिए लाया हूँ एक नई स्टोरी। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि परी की माँ उसे बहुत गुस्सा करती है और अपने पति को उसे अनाथ आश्रम में छोड़ने की जिद करने लगती है। पड़ोस में रहने वाला सोहन और उसकी पत्नी उसकी माँ की ये बातें सुन लेते हैं और ये अत्याचार देख परी को अपने घर ले आते हैं। वे उसे खूब प्यार देते हैं, पढ़ाते हैं और उसके पैरों का भी इलाज करवाते हैं। परी भी खूब मन लगाकर पढ़ती है। सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप प्राप्त कर वह आगे की पढ़ाई करने शहर चली जाती है। अब देखते हैं आगे। एक टूटी हुई झोपड़ी में खाट पर एक औरत सोई हुई है। वह बहुत ही बीमार है। वह उठ भी नहीं सकती और जोर जोर से खांसती रहती है। पास में ही उसका पति बैठा हुआ है और वह उसकी सेवा कर रहा है। परी की माँ भद्रा की हालत इतनी खराब हो गई है कि उसके पास इलाज के भी पैसे नहीं हैं। उनकी बेटी के साथ ऐसे व्यवहार के कारण गांव में भी उनके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं रख रहा था और गांव में रामू को कोई काम भी नहीं देता। इस कारण रामू के पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। यह सब तुम्हारे खराब स्वभाव का कारण है। गांव वाले भी हमारी मदद नहीं करते। सभी कहते हैं जिस माँ ने अपनी बीमार बेटी को छोड़ दिया, उसका ध्यान नहीं रखा, वह लोग अच्छे नहीं हैं और उनकी मदद हमें नहीं करनी चाहिए। वह मुझे भी खराब कहते हैं क्योंकि मैंने भी तुम्हारी बात को माना। मैं तुम्हें बहुत समझाता पर तुम हमेशा झगड़ा करती। अब मैं क्या करूं? खाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। ऊपर से तुम बीमार हो, मैं तुम्हारा इलाज कैसे करवाऊं? रामू रोता है और भद्रा खांसती रहती है। एक दिन गांव में एक एम्बुलेंस आती है और एम्बुलेंस रामू के घर के पास आकर रुक जाती है। उसमें से दो लोग स्ट्रेचर लेकर उतरते हैं और रामू के घर जाते हैं। आप बीमार हैं, आपको हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए लेने आए हैं। आप हमारी मदद करने आए हो? जिस दिन से हमने अपनी बेटी को छोड़ा है, हमारी मदद इस गांव में किसी ने नहीं की। आप हमारे साथ चलिए, हॉस्पिटल में इनका इलाज होगा। पर कौन है वो अच्छे लोग? कौन है जो अभी भी हमारा इतना ध्यान रख रहे हैं? इतने में एक डॉक्टर एम्बुलेंस से उतरती है। रामू उसको देखकर चौंक जाता है और भद्रा भी उसे देखकर चौंक जाती है। तुम कौन हो बेटा? पापा, मैं आपकी परी। तुम हमारी परी? तुम कितनी बड़ी हो गई हो और तुम बिल्कुल ठीक भी हो गई हो। पापा, सोहन पापा ने मेरा बहुत ध्यान रखा, मेरा इलाज करवाया और मैं ठीक हो गई। उन्होंने मुझे बहुत पढ़ाया और देखो आज मैं डॉक्टर बन गई और हमने एक अस्पताल भी शुरू किया है। इतने में सोहन और उसकी पत्नी दोनों आते हैं और उसकी पत्नी भद्रा के पास जाती है। मैं कहती थी ना कि तुम्हारी बेटी लक्ष्मी है, देखो कितनी बड़ी डॉक्टर बन गई है। और तुम्हारी बेटी परी हॉस्पिटल में बहुत दिल से सभी की सेवा करती है, सभी उसे दीदी कहकर बुलाते हैं। और पापा भी रोज अस्पताल में आकर जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते उनकी मदद करते हैं। बेटा, हमको माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। देखो भगवान ने हमें इसकी कितनी बड़ी सजा दी है। पिताजी, ऐसे दुखी मत हो, आखिर आप मेरे माता पिता हो। पर बेटा, तुम्हारा ध्यान रखना ये भी तो मेरा फर्ज था। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं अपना फर्ज भूल गई थी। मैंने अपने आराम के कारण तुम्हें छोड़ दिया था और मैं हमेशा लड़का और लड़की में फर्क करती रही, फिर भी तुम हमारी चिंता कर रही हो। तुम कितनी अच्छी हो, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखा भद्रा बहन, मैं कहता था ना कि तुम्हारी बेटी लक्ष्मी है, बेटियों को कम नहीं समझना चाहिए। बेटा, तुम सच में लक्ष्मी हो। बेटी घर की लक्ष्मी है, उसे बोझ मत समझिए, वह आपकी तकदीर है।
तकदीर को ठुकराइए मत। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।